रामगढ़ उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने 21,970 वोटों से हरा दिया है बजरंग महतो को। सुनीता चौधरी आजसू पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थी, जो कि महागठबंधन के भी संयुक्त प्रत्याशी थी और उनके खिलाफ लड़ रहे थे रामगढ़ के विधायक के पति बजरंग महतो, जो कि कांग्रेस नेता है और वो महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे। इस बेहद उत्साहित करने वाली जीत पर अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के महासचिव सह आजसू नेता सतीश सिन्हा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता मुकेश कुमार। और आपके आजसू प्रत्याशी से श्रीमती सुनीता चौधरी जी की जीत की बहुत बहुत बधाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जीत खुशी का मैंने आनंद का माहौल है इस समय पूरे क्षेत्र में, और हम लोगों के लिए जीत बहुत मायने रखता है। लेकिन सरकार का जो नियत था और सरकार का जो स्थिति था, आज लोकतंत्र हावी है, आज भी लोकतंत्र जीवित है। जीत से साफ पता चलता है कि लोकतंत्र जीवित है। पूरे राज्य सरकार का सत्ता हमारे प्रत्याशी को हराने में लगा हुआ था, फिर भी हमारा नेतृत्व चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो के नेतृत्व में हम लोगों ने सीट जीत हासिल किया है। इससे साफ पता चलता है कि लोकतंत्र आज भी जिंदा है। आपका कहना है कि ये श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी और सुदेश महतो जी की जीत है, लेकिन रामगढ़ की जनता का कहना है कि ये मिली जुली जीत है, इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा योगदान। एनडीए की ही जीत है, एनडीए हम लोग के साथ है, हम लोग एनडीए के साथ हैं। जब भी हम लोगों ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है तो उसका सुखद परिणाम आया है, और ये परिणाम उसी का है। इस चीज को मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। यानी आप ये स्वीकार करते हैं कि पिछले बार जो एनडीए से अलग होकर आप लोग लड़े वो आप लोगों की गलती थी? निश्चित तौर पर। धन्यवाद।